हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुमार क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 लर्न बेल मैथ्स का जो एक्सरसाइज 8.5 है, इसे स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हम आपके इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी चैप्टर का वीडियो वॉच करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, उस प्ले लिस्ट में से इस बुक के किसी भी एक्सरसाइज का वीडियो आप वॉच कर सकते हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो क्लासमेट्स हैं जो आपके साथ स्कूल में स्टडी करते हैं आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर्स है, उनका सम 52 है। इफ़ वी डिवाइड द स्मॉल नंबर, यानी कि अगर हम स्मॉलर नंबर को डिवाइड करते हैं बाई ग्रेटर नंबर से, तो हमें 3/10 मिलता है। तो हमें नंबर्स फाइंड करना है। हम मान लेते हैं, लेट्स वन पॉजिटिव जो नंबर है वो एक्स है आपका, ठीक है ना। अनदर नंबर आपका जो हो जाएगा 52 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 52 है, ठीक है ना। तो ये आपका स्मॉल नंबर है और ये आपका ग्रेटर नंबर है, ठीक है। तो स्मॉल नंबर को ग्रेटर नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब एक्स को डिवाइड करेंगे 52 माइनस एक्स से, तो आपको 3/10 मिलेगा। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x, और 52 माइनस एक्स आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब ट्रांसफ़र कर लेंगे हम, 3x को इधर से उठा के इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 13x, और इधर 156, 13 का डिवाइड 156 में देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी कि जो स्मॉल नंबर है वो 12 है। और ग्रेटर नंबर फाइंड करेंगे तो 56 में से 12 को सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ग्रेटर नंबर आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया आपका, और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राम इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन श्याम, मतलब राम जो है श्याम से 9 ईयर ओल्डर है, ठीक है ना। द रेशो ऑफ द एज ऑफ राम, ठीक है। राम की 10 ईयर्स के बाद की एज, और श्याम की 10 ईयर्स पहले की एज है, ठीक है। उसका रेशो 2:1 है, तो हमें दोनों की जो एज है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो, राम जो है 9 ईयर ओल्डर है श्याम से, तो श्याम की एज को मानेंगे एक्स, ठीक है। 9 की हो जाएगी एक्स प्लस 9। प्रेजेंट एज ऑफ राम, वो सॉरी श्याम, श्याम की मान लेंगे एक्स, तो प्रेजेंट एज ऑफ राम हो जाएगी एक्स प्लस 9, ठीक है ना। अब ध्यान देना, राम की 10 ईयर्स बाद की एज क्या होगी, ठीक है। तो इसमें 10 ऐड कर लेंगे, एक्स प्लस 19 हो जाएगी। और श्याम की 10 ईयर्स बिफोर की एज क्या होगी, तो इसमें से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस 10 हो जाएगी, ठीक है। अब दोनों की एज का जो रेशो है वो 2:1 था, तो ये आपका राम हो गया, ये श्याम हो गया, तो राम और श्याम की एज लिख दी और 2:1 लिख दिया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 10 आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, और ये आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब करेंगे ट्रांसफ़र, ठीक है, एक तरफ x वाली और एक तरफ बिना x वाली, तो 2x, तो देखो ध्यान से, x को उठा के इधर ले जाएंगे तो 2x में से x सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो x ही आएगा, और 20 इधर आ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 39 आ गई, मतलब कि आपके श्याम की एज 39 आ गई। राम की एज निकालनी है तो 39 में 9 ऐड कर दो, ठीक है ना। तो राम की एज 48 आ गई आपकी। मधुरिका फर्स्ट थॉट है नंबर, मधुरिका एक नंबर के बारे में सोचती है, फिर इसका डबल करती है और उसमें 20 ऐड करती है, ठीक है। और फिर जो रिजल्ट आता है उसको 25 से डिवाइड करती है, तो उसे 4 मिलता है। तो ये कंडीशन को फॉलो करेंगे और हम मान लेंगे कि मधुरिका जो है एक्स के बारे में सोच रही है, मधुरिका थॉट अबाउट एक्स, मधुरिका एक्स के बारे में सोच रही है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलेंगे, एक्स को पहले ट्वाइस करेंगे, फिर 20 ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर 25 से डिवाइड देंगे। तो एक्स को ट्वाइस किया, 20 ऐड किया, 25 से डिवाइड दिया, इक्वल टू में 4, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 20 इक्वल टू 25, 4 जा 100, ठीक है। 20 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, माइनस में आ जाएगा, तो 80, इधर 2x, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 40, मतलब कि जो मधुरिका है वो 40 के बारे में सोच रही थी, ठीक है। मधुरिका जिस नंबर के बारे में सोच रही थी वो 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मिस्टर पाठक ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर की डिस्टेंस, वो बना आवर में ट्रेवल करते हैं, है ना। उनमें से जो पार्टली है, मतलब कुछ टाइम तो वो कार से चलते हैं 30 की स्पीड से, और कुछ टाइम जो है वो
मोटरसाइकिल से चलते हैं 18 की स्पीड से, ठीक है 18 किलोमीटर पर आवर की से, तो हमें निकालने की जो डिस्टेंस है कार द्वारा ट्रेवल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो देखो टोटल डिस्टेंस तो 22 किलोमीटर दे रखी है, टोटल टाइम दे रखा है 1 आवर, ठीक है। और हम मान लेते हैं कार के द्वारा जो ट्रेवल की डिस्टेंस है वो एक्स किलोमीटर है, ठीक है। तो 22 में से एक्स घटा दो, क्योंकि नेक्स्ट जो मोटरसाइकिल की आ जाएगी 22 माइनस एक्स किलोमीटर, ठीक है। इतनी वो कार से चल रहा है, इतनी वो मोटरसाइकिल से चल रहा है, ठीक है। अब दोनों की स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो अब कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, मतलब कि एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस को वो कार से चल रहा है और 30 के हिसाब से चल रहा है, और इतनी डिस्टेंस को वो मोटरसाइकिल से चल रहा है और 18 के हिसाब से चल रहा है, इक्वल टू में 1 आवर दोनों को मिला के टाइम मिल रहा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे, इक्वेशन हमारा बन ही गया, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो 90 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, मतलब कि एक्स की वैल्यू 10 आ गई, मतलब कि वो कार के द्वारा 10 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट करेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बोट है गोज डाउन स्ट्रीम, बोट जो है डाउन स्ट्रीम जाती है और वो टू पोर्ट्स के बिटवीन 96 मिनट में जो है डिस्टेंस को कम्प्लीट करती है, और अगर वो अप स्ट्रीम जाती है बोट तो उसे उसी डिस्टेंस को कम्प्लीट करने में 120 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है आपकी 1 किलोमीटर पर आवर्स, तो हमें फाइंड करनी है कि बोट जो है, बोट की स्टील वाटर में स्पीड क्या है, बोट की स्टील वाटर मतलब रुके हुए पानी में स्पीड क्या है। तो हम मान लेंगे कि जो स्पीड ऑफ बोट है इन स्टील वाटर वो है आपकी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो डाउन स्ट्रीम जाते हैं ना, तो मतलब हम उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिधर स्ट्रीम है, मतलब कि जिधर आपका पानी का बहाव होता है, अगर बोट उसी डायरेक्शन में जाती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तो उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इंटू स्पीड। टाइम हो जाएगा आपका 96 मिनट, तो 96 मिनट को हमने चेंज कर लिया आवर में, तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये टाइम है आपका, और स्पीड आपकी एक्स प्लस वन, ठीक है ना। एक्स प्लस वन क्यों, क्योंकि एक्स तो आपकी स्टील वाटर में स्पीड है, और प्लस वन इसलिए है क्योंकि वन आपकी और स्ट्रीम की है, तो ये भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप स्ट्रीम में चलेंगे तो एक्स माइनस वन होगी, और ये आपका टाइम है 120 मिनट्स, ठीक है ना। तो ये आ गया आपकी डिस्टेंस, ठीक है। अब हम दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो इक्वल कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, तो 2 आपका x माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया, और 8/5 x+1 से मल्टीप्लाई होकर ऐसे रहेगा। अब 5 जो है वो चल जाएगा आपका, इधर ट्रांसफर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया, और 8 आपका जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया। अब ट्रांसफ़र कर लो, एक तरफ एक्स वाली एक तरफ बिना एक्स वाली, तो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी, मतलब स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन 6 है, आप अच्छे से नोट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ क्वेश्चन 5 है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रैवल स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस स्पीड से वो कार से ट्रेवल करता है और वो 4 मिनट लेट पहुंचता है अपनी ऑफिस में, ठीक है। अगर वह अपनी स्पीड 25 की जगह 30 किलोमीटर पर आवर से जाता तो वह 10 मिनट्स जल्दी पहुंच जाता। हमें फाइंड करना है कि जो है डिस्टेंस क्या है उसके ऑफिस की और उसके घर की, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू एक्स किलोमीटर, मतलब उसके घर की और ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो एक्स किलोमीटर है, ठीक है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो एक्स है और अपॉन स्पीड, ठीक है। नाउ कंडीशन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम क्या आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स है और स्पीड 25 है, तो एक्स अपॉन 25 ये टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ठीक है, तो देखो ध्यान से कि 25, अच्छा ठीक है
टाइम मतलब उसको क्या है कि 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है, ठीक है ना, 4 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, तो 4 मिनट को हम बोलते हैं, 4 को मिनट को चेंज कर लो आप किसी में आवर में, तो 60 से डिवाइड करोगे तो 1/50 आवर आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम जो है उसे ज़्यादा लग रहा था, मतलब टी टाइम से 1/50 टाइम ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए हमने टी प्लस 1/50 यहाँ पे रख दिया है। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्स प्लस 25 इक्वल टू टी प्लस 1/15। अभी 1/15 इधर आ जाएगा, सबट्रैक्ट में आ गया, और इधर बचेगा टी, ये टी बच गया। अब इस देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में ये है कि वो 10 मिनट्स पहले पहुंच रहा था, तो 10/60 करते हैं तो 1/6 आता है, तो टी माइनस 1/6 टाइम हो जाएगा और ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1/6 उधर जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू में टी, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सेकंड इक्वेशन आ गया और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप पहले इसको, फिर आगे देखते हैं। टू मतलब दोनों इक्वेशन को हम इक्वल में कर देंगे, क्योंकि है ना, तो क्योंकि दोनों ही टी के इक्वल हैं, ठीक है। ये भी टी के इक्वल था, ये भी टी के इक्वल था, इसलिए दोनों के इक्वल कर देंगे। इनका एलसीएम लेंगे और इनका अलग एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लिया तो आपका ये आ गया, ठीक है ना। इनका एलसीएम लिया हमने तो ये आपका ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो आपका 7/30 आ गया, इसको सॉल्व किया तो आपका 1/50 आ गया। आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x=1/15 × 7, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 का डिवाइड लग जाएगा 15 5 टाइम्स, तो 5 × 7 यानी 35, यानी कि एक्स की वैल्यू 35 आ गई, मतलब कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस है उस, तो वो आ गया आपके 35 किलोमीटर, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन 6। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 है आपका हाई ऑर्डर थिंकिंग का। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन 3/4 बी इंक्रीज, मतलब एक फ्रैक्शन है 3/4, इसके न्यूमिनेटर को, ठीक है, कुछ नंबर इंक्रीज कर दिया जाता है, और दोज ऑफ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन जो है वो 5/6 भी डिक्रीज बाय द सेम नंबर, द रिजल्ट विल बी द सेम। मतलब कि इसको जितना इंक्रीज कर रहे हैं, 5/6 एक फ्रैक्शन है, उसको डिक्रीज जितना करेंगे, ठीक है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर्स क्या हैं। तो देखो, हम मान लेते हैं जो नंबर है वो a/b है, मतलब ए और बी है, ठीक है। ए आपका नोमिनेटर, बी आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। अब नोमिनेटर में हम 3/4x, ठीक है, 3/4x जो है इंक्रीज करते हैं। डिनोमिनेटर में आपका बी 3/4 से इंक्रीज होता है, और इधर ए में आपका 5/6x डिक्रीज होता है, इधर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। दोनों के कुल कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो ये आ गया, ठीक है। नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि इनका जो एलसीएम आएगा 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इनका भी एलसीएम 6 से 6 कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इक्वल में रख देंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका ये आ गया यहाँ तक, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका यहाँ तक, ठीक है। फिर जो कट रहा है वो काट लेंगे, 15x² से 15x² कट जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है सबट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लो और कुछ कट रहा है क्या, तो 24 से 24 ए भी कट जाएगा, जो बचा है वो लिख लेंगे 20 ax, और ये ax इधर आएगा तो 20 में ऐड हो जाएगा, 30 ax आ जाएगा, और ऐसे ही ये bx इधर आके इस bx में ऐड हो जाएगा तो ये bx आ जाएगा, ठीक है। 30 से 30 कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। ए इक्वल टू बी का मतलब है कि ए बी के इक्वल है, ठीक है। तो ए की जगह बी रख दो या बी की जगह ए रख दो, अगर आप ए की जगह बी रखोगे या बी की जगह ए रखोगे तो ए से कट जाएगा वन टाइम, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर है वो वन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8। क्वेश्चन 8 जो है वो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं, प्रियंका प्रियांक इज रीडिंग एन आर्टिकल ऑफ हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। प्रियांक एक आर्टिकल रीड करता है, ही फाइंड आउट दैट, तो वह पाता है कि बहुत
माल न्यूट्रिशन के काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं पर्सन की फिजिकल हेल्थ पे, ठीक है, और मेंटल हेल्थ पे। तो इट कैन रिजल्ट इन क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज, इससे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं एडल्ट में। तो वो डिसाइड करते हैं कि कुछ किया जाए, ठीक है ना। तो वो और उसके फ्रेंड्स मिलके एक अमाउंट है 70,000, ठीक है, तो वो डोनेट करते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं कि उसका उसमें से कुछ मनी तो वो फूड के लिए देते हैं लोगों को, मतलब होमलेस लोगों को फूड के लिए देते हैं, और वन थर्ड जो मनी है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट करते हैं, ठीक है। और वो ऑर्गेनाइजेशन माल नरिश्ड पीपल्स को हेल्प करता है, और फिर जो कुछ पार्ट वो ग्रोसरी में खर्च करते हैं, ठीक है ना, जो कि अंडर प्रिविलेज कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रोसरी के सामान, ठीक है ना, तो वो वहाँ पे खर्च करते हैं। और ये जो अमाउंट है वो 3/4 है किसका, डोनेट ऑर्गेनाइजेशन को जितना डोनेट करते हैं उसका 3/4 है। तो हमें ये पता नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन को इतना डोनेट किया, हम उसको एक्स मानेंगे और उसका 3/4 आपको ग्रोसरी को हो जाएगा। या तो हम मान लेते हैं कि जो डोनेटेड मनी है, मतलब उन दोस्तों ने जो ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया है वो है एक्स रुपीज, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो उन्होंने जो फूड प्रोवाइड किया था, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन मनी का 3/4 था, तो एक्स अपॉन 3 आ जाएगा। और ग्रोसरी खरीद रहा था वो ऑर्गेनाइजेशन को दिए गए मनी का 3/4 था, तो एक्स का 3/4 एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उन्होंने कितने रुपए खर्च किए, एक्स तो हमने उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को दिए, इतना में उन्होंने फूड ख़रीदा, इतने में उन्होंने ग्रोसरी सामान खरीदा, और टोटल उनके पास थे 70,000, ठीक है ना। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो यह आ जाएगा आपका इतना। फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये आ गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे 25 से डिवाइड देंगे इधर, ठीक है, 25 से डिवाइड दे देंगे इसमें 70,000 में, तो 2800 वाट जाएगा डिवाइड, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया एक्स की वैल्यू 33,600, मतलब कि इतना मनी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को वो फूड कितने रुपए में प्रोवाइड किया था, हमने जो पीपल्स को फूड दिया था वो कितने रुपए का दिया था, तो एक्स का अपॉन 3 यानी कि 3, तो 3 से डिवाइड दे देंगे इसमें, यानी कि इतना जो है वो उन्होंने होमलेस पीपल्स को उनके ऊपर स्पेंड किया था, ठीक है। और ग्रोसरी में कितना है, तो 3/4 ऑफ एक्स, मतलब कि 4 से आपके कट जाएगा इतने बार, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपका आ जाएगा 25,200 ये ग्रोसरी में खर्च कर दिए, ठीक है ना। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि कितना मनी डोनेशन किया गया था, तो एक्स डोनेट किया गया था, एक्स का आंसर ये है, इतना मनी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया था। अब हमसे पूछा गया है कि अगर एक चिल्ड्रन को 1200 रुपये का सामान मिलता है तो कितने चिल्ड्रन बेनिफिटेड हुए थे, तो इसमें हम 1200 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 28 चिल्ड्रन जो है इस काम से बेनिफिटेड हुए थे। तो ये आपका 8 का आंसर है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो और यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं आपके नेक्स्ट इसी चैप्टर की एक्सरसाइज की वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और इसका एक्सरसाइज आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। चलो मिलते हैं, बाय, थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को।